आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से वैसे तो मैंने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि इर रिस्पेक्टिव वॉट इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग एट ऑल लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं यानी मेरे फ्रेंड सर्कल के थ्रू या ऐसे कुछ लोगों के थ्रू जिनको मैं जानता हूं और अभी रिसेंटली कुछ ओटीटी हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा और उनमें से एक है जिन्होंने मुझे एक ओपन ऑफर दिया है कि अगर मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनका राइट उनको दे देता हूँ यानी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी तो दे विल गिव मी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट वो अमाउंट भी मैं आप लोगों को बताया था दैट इज मोर देन वन हंड्रेड करोर्स मैंने इमीजिएटली उनको मना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सौ करोड़ क्या अगर आप हजार करोड़ दोगे तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो एक बार थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो इतना बड़ा अमाउंट मेरे को दे रहे हैं उसके पीछे उनका क्या मोटिव है बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा जो कंटेंट है यानी कि मेरी जो वीडियोस है वो यूट्यूब से हट जाती है और किसी एक प्लेटफॉर्म पर चली जाती है तो सोचो क्या होगा आज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सौ करोड़ से ऊपर व्यूज व्यूज हो चुके हैं दैट इज मोर देन बिलियन अब जैसे ही मेरा जो कॉन्टेंट है वो यूट्यूब से हट जाता है और वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर चला जाता है तो एक झटके में उस प्लेटफॉर्म को लाखों लोग मिल जाएंगे मान लेते हैं कि एक करोड़ लोग हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं इस एक करोड़ में से कम से कम दस परसेंट लोग तो ऐसे होंगे जो कि सौ रुपए महीने का स्पेंड करने के लिए तैयार होंगे तो एक झटके में उस प्लेटफॉर्म को वो जो ओटीटी टी प्लेटफॉर्म है उसको एक झटके में दस लाख लोग मिल जाएंगे और अगर दस लाख लोगों से सौ रुपए महीने का भी लिया उस प्लेटफॉर्म ने तो उनको मिलता है एक महीने का दस करोड़ यानी कि एक साल का एक करोड़ तो वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं सौ करोड़ रुपए मेरे को दे करके उनका अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस ऑफर को मैं तो मना कर सकता हूं चाहे सौ करोड़ क्या मेरे को कोई हजार करोड़ भी देगा तो मैं मना कर सकता हूं लेकिन क्या मेरी आने वाली जनरेशन वो मना कर पाएंगी ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा मेरे कॉन्टेंट की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी तो मान लो अगर मेरी फैमिली के पास में आज से पचास साल बाद कोई आता है और आकर के बोलता है कि ये लो एक हजार करोड़ और आपको सिर्फ इस पेपर के ऊपर साइन करना है बाकी सारा काम हमारा है तो क्या वो मना कर पाएंगे उस हजार करोड़ के लिए तो ये सवाल मेरे को अंदर ही अंदर तंग करने लग गया एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन क्योंकि मैंने प्लेज लिया था जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी एक रुपए भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का अब मैं उस प्लेज में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी मेरे सेशन फ्री ही रहेंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा इसका मैंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरी डेथ के बाद में मेरी सारी वीडियोज जो भी वीडियोज यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी उस टाइम पर सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि वो फ्री फॉर ऑल होगी पूरी दुनिया के लिए यानी जैसे ही मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी तो उसके बाद में कोई भी मेरी जो वीडियोज है उससे एक रुपए भी नहीं कमा सकता है फिर चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो वो वीडियोज हमेशा के लिए यानी आने वाले हजारों सालों के लिए फ्री फॉर ऑल हो जाएगी अब मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद में बहुत सारे समझदार लोग आएंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय देंगे वो कहेंगे सर अगर आपको जरूरत नहीं है पैसे की तो कोई बात नहीं आप ये सौ करोड़ रुपए उनसे ले लो और जाकर के चैरिटी कर दो किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाएगा तो उनके लिए मेरा एक सवाल है कि ठीक है मैं ये पैसा ले लूंगा चैरिटी में दे दूंगा जिससे कुछ लोगों का बेनिफिट हो जाएगा लेकिन मुझे ये बताओ कि वो लोग जो सौ रुपए महीने का नहीं दे सकते उनका क्या होगा कि अभी जो करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से मैं मानता हूं कि नाइन्टी ऐसे लोग हैं जो सौ रुपए महीने का अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा उनको मेरी वीडियोज कैसे मिलेंगी ये सबके लिए है चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है चाहे कोई भी है मेरी वीडियोज सबके लिए थी सबके लिए है और सबके लिए रहेगी अब सवाल ये उठता है कि जब एक बार मेरी वीडियोज पब्लिक डोमेन में आ जाएगी उसके बाद क्या होगा उसके बाद में मेरी जो वीडियोज हैं वो किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में दिखाई जा सकती है उसके लिए उनको किसी से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनफैक्ट वो तो आज भी दिखाई जा रही है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसको करने का मेरा एक ही मोटिव है कि किसी का कुछ बेनिफिट हो सके किसी की लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सके किसी की लाइफ में थोड़ी सी इंस्पिरेशन आ सके तो जब तक वो हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा तो कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं और कुछ है जो नहीं की जा सकती नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट मस्ट बी फ्री फॉर ऑल कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी से भी पैसे नहीं लेने हैं मेरी वीडियोज के नाम पर यानी कि डोनेशन के नाम पर सब्सक्रिप्शन के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा वो फ्री फॉर ऑल होगी उसको हर कोई देख सकता है हर कोई एक्सेस कर सकता है यानी कि सिंपल है कि जब मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी तो वो कॉमर्शियल पर्पेज के लिए यूज नहीं हो सकती है नॉन कॉमर्शियल पर्पेज के लिए पब्लिक बेनिफिट के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज की जा सकती है जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर उसको देख करके किसी का बेनिफिट हो रहा है और उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं उन वीडियोज को देखने के तो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच